तमाम गैर कानूनी सोसाइटीज पर पाबंदी लगा दी है और उनके खिलाफ जल्द ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये तो गैर कानूनी सोसाइटी के लिए है ना, हमारी तो लीगल है। हाँ लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज पूरा दिन हो गया है रहीम भाई ने फोन नहीं रिसीव किया है और काशान सर के ऑफिस में भी कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी भी यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कल जो है ना रहीम भाई के ऑफिस को चक्कर लगाऊं और वो अपनी साइट पे भी जाके चेक करूं कि कंस्ट्रक्शन का काम कहां तक पहुंचा है, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा कि काम कहां तक पहुंचा है मुझे सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, आप वहम कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलें आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना बना के लाती हूँ, ठीक है? आ जाए। यहाँ सारा सामान वाइंड अप करो, अकाउंट्स चेक करो, बच्चों की चीजें पैक करो, हमें मूव करना है यहाँ से। मगर मैं ये सब इतनी जल्दी कैसे करूंगी? जो कहा है वो करो, जरूरी सामान रख लो ना, बाकी सब वहाँ से ले लेंगे। और ये सारी गाड़ियाँ, जेवरात, इन सब का क्या होगा? क्या जरूरत थी आपको अभी जोहान को गाड़ी दिलवाने की? जब पता भी था तो फजूल में पैसे क्यों वेस्ट किए आपने? ये सब तुम्हारे सोचने के काम नहीं है, मैं देख लूंगा। तुम्हें जो कहा है वो करो, अपना सामान पैक कर लो जल्दी से, हमें इमरजेंसी में किसी भी वक्त निकलना होगा यहाँ से। और हाँ, बच्चों से जिक्र मत करना, बिल्कुल भी नहीं। वैसे हमना की तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बहुत खुश होगी वो, आपने बहुत रुलाया मेरी बेटी को। सब ठीक हो जाएगा, और मैंने गार्ड को अलर्ट कर दिया है दरवाजे पे कि कोई भी नया बंदा आए तो उसे बता दे कि हम यहाँ से मूव कर गए। क्यों? मेरा काम ही ऐसा है, 100 दोस्त हैं मेरे, 100 दुश्मन हैं मेरे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बोल क्या रहे हैं? तुम क्यों परेशान हो रही? मैं हूं ना, बस इतनी सी बात है, मेरा किसी से भी मिलने का आजकल मूड नहीं, यूं समझ। तुम पैकिंग करो जल्दी से, हमें किसी भी दिन निकलना होगा। और चाय पिला देना मुझे, सर में दर्द हो रहा है, टैबलेट भी ले आओ साथ। अभी लाइए।